मैं लाइक आई वांट टू नो आप नुसरत उस्ताद नुसरत अली खान के शागिद रह चुके हैं जी जी तो वो बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है और एग्जैक्टली तो उनको किन बातों तो पे गुस्सा आता था कभी गुस्सा करते थे क्योंकि वो इतने अदब भले इंसान होंगे आई एम श्योर अब बेसिकल आप आ, खान साहब को आपने देखा तो नहीं होगा नहीं मतलब लाइव नहीं देखा लाइव नहीं देखा तो वो ऐसी शख्सियत थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं अभी रास्ते में उनको सुनता आ रहा था अच्छा रास्ते में तो क्लासिकल जगह पे गा रहे थे वो एक बड़ी और शख्सियत थी। सही आर्टिस्टों से बिल्कुल हटके आर्टिस्टों वाली बात ही नहीं थी उनमें ठीक वो एक दरवेश सिफत आदमी थे इतना नाम इतना अरूज इतना पैसा इतनी शोहरत दौलत हर चीज के बावजूद वो सादी पसंद थे बिल्कुल सादा बिल्कुल सादा आदमी थे बिल्कुल उनकी वीडियोस देख के भी हाँ, लगता है बिल्कुल नॉर्मल बैठते थे हाँ जी हम लोग थोड़ा सा नाम होता है तो वेस्ट कोट पहनी है दवा दब ये वो करो हाँ जी वो जैसे बैठे हैं वैसे ही तो मैंने उनको देखा कि उनको गुस्सा तो हमने गुस्सा जो उनको मैंने गुस्सा बहुत कम देखा और अगर हाँ गुस्सा आता था उनको काम की वजह से जब काम के अंदर वो उनको डिस्टर्ब करते थे लोग फिर वो गुस्सा करते थे बिल्कुल अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट था गुस्से का क्योंकि हमने उनके छोटे भाई का गुस्सा देख लिया तो फिर वो थी इशू बनाया है बहुत अच्छे इंसान है बहुत अच्छे

इंसान से गलती होती है अल्लाह ताला माफ करने वाला तो कोई ऐसी बात नहीं रहा साहब जहाँ भी हैं खुश रहें। एब्सोल्युटली अच्छा उस्ताद नुसरत अली खान आपका कौन सा उनको कलाम फेवरेट था उसके कोई दो बोल तो सुनाए खास साहब का मेरा हाँ जी आ, मेरा कलाम था लाख आए जहाँ में नबी है मगर शाह कौन है नसा कोई आया नहीं लाख आए जह में नबी है मगर शाह कौन है नसा कोई आया नहीं मेरा गला भी नोवर इट्स ब्यूटीफुल लाइक वो पूरी वाइब फील आई है पूरी आप लेके हैं। तो आप ही लिखते भी खुद हैं आ, मुझे शौक है लिखने का पर मेरे वाल साहब ने वाली मुझे कहा था कि हाँ एक दौर आया था ऐसा था जब मैं बिल्कुल नया नया ना तो फील्ड में था हाँ तो हमारी कवाली की फील्ड ऐसी है कि हमारा सूफिया से एक बहुत रिलेटेड है अच्छा। सूफिया कराम से ओके ओलिया कराम से तो हमें वो आमद होती रहती है हाँ जी। यार ये आइडिया है ये शायर हमारे पास तीन चार पांच शायर

तो मुझे कहते नहीं यार तुम तुम ना करो अच्छा आ, मेरे वाले साहब बड़े आ, वेल एजुकेटेड पर्सन थे सही माशाल्लाह एमए फारसी में उन्होंने बकायदा फारसी में एमए किया था उन्होंने अच्छा तो उन बड़े फारसी बड़े बड़ा अबूर था मेरे वाले साहब को माशाल्लाह अल्लाह जन्नत करे फारसी पे अरबी पे पूर्वी पे सराइकी पे बड़ा बड़ा अबूर था और मेरे वाले साहब अल्लाह उनको करे कि मेरे वाले सबको ये शरफ हासिल उन्हें बड़े बड़े आर्ट, आर्टिस्टों के उन्होंने ये जी जी। तो देखा वो इस पूरे उन्होंने बिल्कुल तो फिर इसी वजह से वो थोड़े थे, थे ना कि आपको आना चाहिए इसमें कि नहीं हाँ ये मुझे कहते थे कि मुझे मुझे कहते थे कि एक पंजाबी की मिसाल है ਮੈਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇ ਜਾ ਰਹਾਤਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤਬੀਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਤੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾ ਨੇ ਹਮ ਵੰਗਾ ਹਮ ਵੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮ ਐਤੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾ ਨੇ ਹਮ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਦੂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਹਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਵ ਹੀ ਹਮ याद है कि तेरी शौक दिया तो उन्होंने मुझे कहा था कि उठो जागो तुम्हें एक दिन जुम्मेदारी बिल्कुल तो फिर उन्होंने मुझे आदत डाली उठो उन्होंने मुझे उठाना प्रोग्राम से पहले मेरी अमी ने कहना अभी तो आया बच्चा बेचारा उसको सोने दे ये माँ माँ जी बिलकुल पर वो बाप थे उन्होंने दुनिया दिखी थी बिलकुल उनका दम को नहीं पता मुझे पता ही का है काम चैत तक है मैं इसको उठा रहा हूँ कि ये उठो सही उठ जाओ जागो जागो बिल्कुल ये वक्त दोबारा नहीं आएगा तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ वो जहां भी हैं खुश रहे बिल्कुल आमीन जब मैं कहता हूँ कि उनका थैंक यू उन्होंने मुझे ये कहा कि जागो तो मुझे

तो ये कितने अरसे बाद आपके मतलब आपके करियर में आपको मैं जब कवाली में आया तो बड़ी बहुत बड़ी फील्ड है हाँ जी ये इसके अंदर तो ये समुद्र है एक बुरा बड़ा वसी है बिल्कुल तो हम तो रूटीन में गाते हैं ना शरीफ कसीदे पाक और मनकबत आरफाना कलाम नस्बती कलाम तो कौन सा हिट होगा ये नहीं पता होता हम जब मैं शुरू हु तो मैं तो लगा हूँ इसी काम की तरफ बिल्कुल तो दो तीन साल दो साल बाद तीन साल बाद जा के रहा। ए, ये कलाम ऐसे हिट हुआ जुबान जब, पे ये लाका आई में मैंने वहाँ बाकी लगे रहो आप तो एक चीज को हिट हो जाए होती है हुँ। हुँ। वो फिर कुछ अरसा गुजरा फिर गजल आई दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने उसने तो फिर आलमी शहरत हाँ जी हाँ जी हासिलकी okay. हमने सुना है कि एक इवेंट